हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, NR इंडिया न्यूज में मैं मोहम्मद नदीम रब्बानी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हाजीपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट। महुआ थाना क्षेत्र छतवारा कपूर गांव में भूमि विवाद को लेकर घर पर चका मारपीट कर पति पत्नी दोनों को पीट पीट कर गंभीर रूप घायल कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। घटना की सूचना महुआ पुलिस को दी गई है, जिसमें 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। महुआ पुलिस को दिए गए फर्द बयान में छतवारा कपूर गांव के कैलाश पासवान के पुत्र शिक्षक प्रमोद पासवान ने बताया है कि उनकी पत्नी ममता देवी दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, उसी वक्त उनके बगलगीर रविंद्र भारती सहित 9 लोगों ने घर पर चढ़कर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। मारपीट में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं उसके रोने की आवाज पर वे आए तो उनके साथ भी सभी लोगों ने मारपीट किया। मारपीट के दौरान ही उनके पत्नी के गले से एवं उनके गले से सोने का चैन, जिसकी कीमत लगभग 1,00,000 और उनके पॉकेट से 20,000 रुपए नकदी छीन लिया। घायल पति पत्नी दोनों को स्थानीय लोगों ने महुआ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ममता की गंभीर स्थिति को देख चिकित्सक ने रेफर कर दिया है। ममता देवी एवं प्रमोद कुमार दोनों सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। पीड़ित शिक्षक के फर्द बयान पर महुआ थाने में 9 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। अपने के की नाम बेलक, क्या हुआ है ये शिक्षक प्रमोद जी के साथ? सर उनका कुछ क्या हुआ है प्रमोद जी के साथ? सर झगड़ा हुआ तो हम लोग बाद में गए थे, शुरू से नहीं देखे थे, लेकिन बाद में गए थे, हम सिर्फ हम गए थे। क्या हुआ क्या है इनके साथ? सुनने में आया कि सर भी फोड़ दिया है, पत्नी के साथ भी मतलब गलत हरकत लोग किया है, सही बात है? क्या नाम हुआ आपका? घर पति का नाम? ये जो मानवाधिकार संरक्षण जो चलाते हैं प्रमोद जी, क्या हुआ है इनके साथ, क्या घटना हुई है? ये तो सोए हुए थे, दोपहर 3 बजे का टाइम था, सोए हुए थे। उसके बाद इनके पत्नी ममता देवी झाड़ू लगा रही थी, उसी समय काली गलौज के मामला इधर से 5-7 आदमी गया गाली दे देकर, इन्हें मारपीट करने के लिए मुकाबला हो गया। तो इन्हें आए छोड़ाने के लिए प्रमोद जी, उसके बाद उसी पर हाथापाई होकर इनको बहुत मार लगा। सुने कि सर भी फोड़ दिया है, गुप्तांग पर भी प्रहार किया है, पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है, सही बात है? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सर भी फोड़ दिया है। क्या नाम हुआ पर? घर मेरे साथ है शारदा मानवाधिकार समिति के सचिव, इनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर इनके गुप्तांगों पर सर पे प्रहार कर इनको गंभीर रूप से घायल कर दिया है। क्यों हुआ है ये घटना जानते हैं इन्हीं की जुबानी, बताएं जी। आज से 15-20 दिन पहले हम लोग के पटरीदार है जो इन लोगों को रास्ता दिए हुए हैं, जिनको रास्ता दिए हुए हैं, तो उनके सामने वो लोग रास्ता काट रहा था। वो लोग 100-150 की संख्या में थे लोग, और ये लोग 2-4 आदमी ही थे इस तरफ। हम आए तो देखे कि खन रहा है और लोग लाठी डंडा से लैस था, तो हम देखे कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी तरह का नुकसान हो जाएगा, तो हम प्रशासन को बुलाए। तो प्रशासन के बुलाने के बाद वो रास्ता भरा गया, सब ठीक हो गया। और उस बार से उन लोग को दिक्कत हुआ हमारे पटीदार को, तो पटीदार जो है से उसी दिन कहा कि इस तरह किया कि मारेंगे इसको। संडे की बात है, 11 तारीख की बात है कि उसकी बेटी जो है ना, जब मेरी पत्नी झाड़ू लगा रही थी, तो बेटी क्या कर रही है कि अब इसको ठीक किया जाएगा, इसका इलाज करेंगे, इसको पीटेंगे। उसी पर हमारी पत्नी बोली किसका इलाज कीजिएगा, और एक दो बात बोली। उसी पर वो लोग उसके गार्जियन उसके फादर आकर के छोटा बाल पकड़ लिए है ना, और उसके बाद बेटी सबको बोला मारने लगे सब मिलके, बाप बेटी बेटा सब मिल के। जब हम छुड़ाने गए तो छुड़ाने क्रम में हम
चुराने में लगे हुए थे, तो वो उसका लड़का जो है हमारी आँख पर मारा, आँख माथा पर 50 फेट मारा है। ब्लड क्लॉटिंग की भी मामला हो सकता है, आँख से दिख नहीं रहा है हमको, एकदम पानी आ रहा है, इसलिए रुमाल लगना पड़ता है। कल हमको रेफर किया गया है IGMS ये पटना PSC महुआ अनुमंडल द्वारा, तो कल हम IGMS जाएंगे, वहाँ क्या CT स्कैन में निकलता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसका बाप बेटा मिलकर गुप्तांग पर मारा मेरी हत्या करने की लोग कोशिश की, ताकि ये न रहेगा न ये हम ज़मीन खोजेगा। तो कुल मिला के ज़मीन विवाद में जो है हमारे साथ ये सब किया गया, ये घटना को अंजाम दिया गया है जी। इसके लिए हम FIR भी दर्ज कर चुके हैं, कांड संख्या 558 है, वो कॉपी ले चुके हैं हम। अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रमोद कुमार हो गया, घर छतवारा कपूर, मैं एक शिक्षक हूँ, साथ ही साथ शारदा मानवाधिकार समिति का सचिव हूँ, और विगत दस